हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ अभिषेक। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म बाजीगर के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना। बाजीगर आज से 31 साल पहले मतलब 12 नवंबर 1993 को रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, राखी गुलजार, अनंत महादेवन, दिलीप ताहिल, जॉनी लीवर, दिनेश हिंगू, साउथ इंडियन एक्टर सिद्धार्थ और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों, बाजीगर एक म्यूजिकल थ्रिलर मूवी है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था गणेश जैन ने और इस फिल्म के डायरेक्टर थे डायरेक्टर डुओ अब्बास मस्तान। फिल्म का म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने। सो फ्रेंड्स, फिल्म का बजट था 2 करोड़, मतलब एक मॉडरेट बजट में इस फिल्म को बनाया गया था और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 10 लाख और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 33 लाख और पहले वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 75 लाख और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 7.30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे एक सुपरहिट फिल्म साबित हुआ था। स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अगर इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया मूवी है दोस्तों। मतलब इस फिल्म में आपको सब कुछ मिलेगा। इस फिल्म में आपको रोमांस मिलेगा, इस फिल्म में आपको कॉमेडी मिलेगा, इस फिल्म में आपको सस्पेंस मिलेगा, थ्रिल मिलेगा, इमोशन है, अच्छे गाने हैं, अच्छे परफॉर्मेंस है, सब कुछ मिला के एक वेल एंटरटेनिंग थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म मुझे खास पसंद है, बहुत बार देख चुका हूँ और जब भी देखता हूँ मुझे बढ़िया लगता है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हो तो इस फिल्म को देख सकती हो। अगर मैं इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, शाहरुख खान ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में। उनका कैरेक्टर ग्रे शेड का था, मतलब वही हीरो है वही विलन है, मतलब आप लोग एक किस्म का नेगेटिव रोल भी कह सकते हो। बहुत ही बेहतरीन काम शाहरुख खान ने इस फिल्म में किया है। काजोल और शिल्पा शेट्टी ने भी बहुत ही बढ़िया काम की है। राखी गुलजार शाहरुख खान की माँ की भूमिका में दिखी थी, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम की है। दिलीप ताहिल विलन के रोल में बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने भी किया है। जॉनी लीवर ने हंसाया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने किया है। उनका जो एक्सप्रेशन था बहुत ही बढ़िया था कुछ कुछ सीन में। ओवरऑल एक वेल एंटरटेनिंग सस्पेंस थ्रिलिंग मूवी है दोस्तों। अगर आप लोग इस फिल्म को नहीं देखे हो तो इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो। और अब दोस्तों इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। फिल्म में पहले लीड रोल के लिए शाहरुख खान से पहले बहुत सारे आर्टिस्ट को ऑफर किया गया था और सभी ने इस फिल्म को इसलिए रिफ्यूज कर दिया था करने के लिए क्योंकि वो रोल नेगेटिव शेड था, ग्रे शेड का रोल था और सभी ने इसी रीजन से इस फिल्म को छोड़ दिया था। जैसे कि पहले एक रोल गया था अक्षय कुमार के पास क्योंकि अब्बास मस्तान इस फिल्म के डायरेक्टर अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी बनाए थे जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। उसके बाद ये रोल गया था अजय देवगन के पास, उसके बाद गया था सलमान खान के पास और अरबाज खान के पास भी गया था। अगर अरबाज खान रोल करते तो उनके डेब्यू में भी होता है। हालांकि बाद में 1996 में फिल्म डरार से अरबाज खान ने डेब्यू किया था। अब्बास मस्तान की फिल्म था वो और उस फिल्म में भी वो नेगेटिव रोल में दिखे थे। उनके डायरेक्टर अब्बास मस्तान पहले इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे डबल रोल में, मतलब सीमा और प्रिया दो बहन की भूमिका में श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन अब हाफ टाइम में सीमा को जब शाहरुख खान छत से फेंक देते हैं वो सीन शायद ऑडियंस ना ले पाए क्योंकि श्रीदेवी का जो पॉपुलैरिटी था उस टाइम पे बहुत ही हाई था और शाहरुख खान उनको फेंक देते हैं वो सीन शायद ऑडियंस ना ले पाए, इसलिए अपना माइंड चेंज किया और फाइनली न्यू फेस मतलब काजोल और शिल्पा शेट्टी को कास्ट किया गया था। तब काजोल की उम्र 18 साल की थी और शिल्पा शेट्टी 17 साल की थी। पहले काजोल के रोल के लिए अब्बास मस्तान चाहते थे आयशा जुल्का को कास्ट करने के लिए क्योंकि खिलाड़ी मूवी में अक्षय कुमार और आयशा जुल्का एक साथ दिखे थे और वो चाहते थे उसी कास्ट को फिर से नाम लाने के लिए। लेकिन कुछ कारण के चलते वो आयशा जुल्का इस रोल को कर नहीं पाई और काजोल को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। दोस्तों, इसमें पहले शिल्पा शेट्टी के रोल के लिए जूही चावला को भी अप्रोच किया गया था लेकिन जूही चावला इसलिए इस रोल को नहीं की क्योंकि उनको लगा था ये रोल छोटा है। दोस्तों, ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे कूल मैन।